युवक और नवयुवती की यही इच्छा होती है कि समय से उनका विवाह हो, लेकिन आजकल देखा गया है कि विवाह में काफ़ी विलंब हो जाता है और संतान के विवाह योग्य होने पर प्रत्येक माता पिता की भी यही चाह होती है कि उनकी संतान का विवाह समय पर हो, परंतु इस कामना पूर्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, जैसे अनुकूल जीवन साथी का ना मिलना, संतान की रुचि विवाह से अधिक कैरियर में होना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना आदि। आइए विवाह में विलंब के कारणों की चर्चा करते हैं। जन्म पत्री में सप्तम भाव सप्तमेश पर पाप ग्रह राहु केतु शनि मंगल सूर्य आदि का प्रभाव विवाह में विलंब देता है। पत्री में शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी विलंब को बढ़ाता है। कुंडली के ये योग विवाह में विलंब करते हैं तथा वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ भी बढ़ाते हैं। आइए इस समस्या का समाधान करें। विवाह की इच्छा रखने वाला जातक सोमवार को पारद शिवलिंग घर में स्थापित करे, शिवलिंग को कच्चा दूध चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जप करे। इसके अलावा 7 या 11 रत्ती का उपल धारण करना भी विवाह मार्ग की बाधाओं को कम करता है। इसके साथ अगर आप गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण करें तो विवाह जल्द हो जाता है। विवाह में के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लड़के स्फटिक की माला पर पत्नी प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलो भद्वाम। कन्यावर प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महाभाये महायोगिन्यधीश्वरी नंत गोप सुतम देवम पति मे कुरु ते नमः। इस मंत्र का जाप शीघ्र विवाह के लिए शुभ होता है। लड़कियां बृहस्पतिवार का उपवास व लड़के शुक्रवार का व्रत श्रद्धा के साथ करें। व्रत के दिन उपासक अपने इष्ट देव का अवश्य पूजन करें। यह व्रत करने से विवाह समय पर होता है तथा विवाह के बाद का जीवन भी सुखमय होता है। अगर जन्मपत्री में मांगलिक योग है तो भी विवाह में देरी का कारण बनता है। मांगलिक योग या शुभ प्रभाव को दूर करने के लिए 400 ग्राम गुड़ मंगलवार के दिन बहते पानी में विसर्जित करें व शिव परिवार प्रतिमा पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। साथ ही सोमवार को दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मैं आशा करती हूं और यही कामना करती हूं कि यदि ये आप सब उपाय करेंगे तो शीघ्र ही आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे। युवक और नवयुवती की यही इच्छा होती है कि समय से उनका विवाह हो, लेकिन आजकल देखा गया है कि विवाह में काफ़ी विलंब हो जाता है और संतान के विवाह योग्य होने पर प्रत्येक माता पिता की भी यही चाह होती है कि उनकी संतान का विवाह समय पर हो, परंतु इस कामना पूर्ति के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं, जैसे अनुकूल जीवन साथी का ना मिलना, संतान की रुचि विवाह से अधिक कैरियर में होना, आर्थिक स्थिति कमजोर होना आदि। आइए विवाह में विलंब के कारणों की चर्चा करते हैं। जन्म पत्री में सप्तम भाव सप्तमेश पर पाप ग्रह राहु केतु शनि मंगल सूर्य आदि का प्रभाव विवाह में विलंब देता है। पत्री में शुक्र पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव भी विलंब को बढ़ाता है। कुंडली के ये योग विवाह में विलंब करते हैं तथा वैवाहिक जीवन में परेशानियाँ भी बढ़ाते हैं। आइए इस समस्या का समाधान करें। विवाह की इच्छा रखने वाला जातक सोमवार को पारद शिवलिंग घर में स्थापित करे, शिवलिंग को कच्चा दूध चढ़ाए और ओम नमः शिवाय का जप करे। इसके अलावा 7 या 11 रत्ती का उपल धारण करना भी विवाह मार्ग की बाधाओं को कम करता है। इसके साथ
अगर आप गौरी शंकर रुद्राक्ष भी धारण करें तो विवाह जल्द हो जाता है। विवाह में के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए लड़के स्फटिक की माला पर पत्नी प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत अनुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलो भद्वाम। कन्यावर प्राप्ति के लिए इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महाभाय महायोगिन्य धीश्वरी नंत गोप सुतम देवम पति मे कुरु ते नमः। इस मंत्र का जाप शीघ्र विवाह के लिए शुभ होता है। लड़कियां बृहस्पतिवार का उपवास व लड़के शुक्रवार का व्रत श्रद्धा के साथ करें। व्रत के दिन उपासक अपने इष्ट देव का अवश्य पूजन करें। यह व्रत करने से विवाह समय पर होता है तथा विवाह के बाद का जीवन भी सुखमय होता है। अगर जन्मपत्री में मांगलिक योग है तो भी विवाह में देरी का कारण बनता है। मांगलिक योग के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए 400 ग्राम गुड़ मंगलवार के दिन बहते पानी में विसर्जित करें व शिव परिवार प्रतिमा पर प्रतिदिन जल चढ़ाएं। साथ ही सोमवार को दूध चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। मैं आशा करती हूँ और यही कामना करती हूँ कि यदि ये आप सब उपाय करेंगे तो शीघ्र ही आप विवाह के बंधन में बंध जाएंगे।